गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, या फिर समर सीज़न हो या फिर विंटर सीज़न या फिर कोई भी सीज़न हो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये सामान्य फ्रेंड्स को ये फेस करना पड़ता है। हम जब बाहर जाते हैं या फिर घर में रहते हैं, अंडरआर्म से बहुत ज़्यादा घमोरिया होता है। तो घमोरिया से क्या होता है कि बैड स्मेल निकालना शुरू हो जाता है। आसपास जो भी रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी रिएक्ट करता है और हमको भी बहुत ही ज़्यादा बुरी लगता है, बैड फील होता है। तो इस जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मेरे पास बहुत ही आसान है, बस 1 मिनट लगेगा इसको रेडी करने में। और हर घर में ये मौजूद होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हाँ दोस्तों, डेटॉल से आपको ये प्रॉब्लम को दूर हटाना है बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप चाहे बूढ़े हो या बच्चे, या फिर गर्ल्स हो बॉयज़ हो, दोनों कोई भी, इसको बहुत ही आसान है, इसको यूज़ करना, ट्राई करना। और ज़रूर आप ट्राई करेंगे तो 100% आपको मैं गारंटी देती हूँ ये आपको वर्क करेगा ही करेगा। बैड स्मेल से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपकी अंडरआर्म में बहुत ज़्यादा घमोरिया होते हैं, पसीना होता है, तो इस पसीनों से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही आसानी से एक टिप्स है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल में नया है, सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब के पास जो बेल है उसको भी ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी अच्छा अच्छा वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा से एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप वाटर। 1 कप वाटर में मिक्स्ड करेंगे हम थोड़ा सा, बस फ्यू ड्रॉप, आप देख सकते हैं, फ्यू ड्रॉप डेटॉल। डेटॉल इसमें घोल देंगे, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर देंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। जब आप शावर लेते हैं तो शावर ले लीजिए, अच्छे से नहा लीजिए। नहा लेने के बाद दोस्तों, बॉडी वॉश की मदद से अच्छे से अंडरआर्म को बॉडी वॉश कीजिए, उसके बाद नहा लीजिए अच्छे से। उसके बाद दोस्तों, क्लीन करने के बाद अच्छे से टॉवल ड्राई कर लीजिए। टॉवल ड्राई कर लेने के बाद दोस्तों, आपको ये 2 बार या फिर 3 बार अच्छे से अंडरआर्म के एरिया में स्प्रे कर देना है। स्प्रे कर देने के बाद 1 मिनट छोड़ देना है, ये अच्छे से सूख जाएगी या फिर स्किन इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जब बाहर जाए तो बाहर जाने के पहले आप इसको फिर से एक बार स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बस इसको स्प्रे करना है, दिन में चाहे 2 बार 3 बार 4 बार स्प्रे करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगी या फिर कोई भी साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपकी अंडरआर्म में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो इस पसीने से छुड़ाने के लिए दोस्तों, ये जो घमोरिया होते हैं, घमोरिया से फ्री होने के लिए दोस्तों, आपको बस लेना है कैंडिड पाउडर, कैंडिड डस्टिंग पाउडर। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाया, आप सभी इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, आप सभी ने बताया। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी स्किन में, जो भी एक्ने पिंपल वगैरह होती है इसके ऊपर बहुत ही अच्छी से वर्क तो करता है, और साथ में इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इन्फेक्शन, वायरस वगैरह, कीटाणु वगैरह जो भी होता है ना फेस में, उससे तो बचाता है, और खास करके ऑयलनेस को बहुत ही अच्छी से ये कंट्रोल करता है, ऑयल को फ्री करता है, कंट्रोल करता है, और साथ में एक्ने को बहुत ही अच्छी से इसको कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, एक्ने और ऑयली स्किन को ये बहुत ही अच्छा है कैंडिड पाउडर। आप अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार वॉच कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। ये कैंडिड पाउडर आप जब बाहर जा रहे हैं उसके पहले डेटॉल स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद वो अच्छे से सूख जाए, उसके बाद कैंडिड पाउडर लगा के आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको पसीना बहुत ही कम होगा और कीटाणु वगैरह से तो बचाएगा, और अच्छा फ्रेश एक ड्राईनेस फील होगा, तो ये बहुत ही अच्छी वाली बात है। और दूसरी बात है दोस्तों, ये आपको पार्ट डे नाइट में लगाना है, तो नाइट में आप देखेंगे तो अंडरआर्म से बहुत ज़्यादा पसीना छूटती है, तो और भी ऑल डे आप जब घर में रहते हैं तो पसीना छूटते हैं, तो तभी आप ये पाउडर यूज़ करें। तो दोस्तों,
दिन में हो या रात में, गुल मिला के आप 3 बार या फिर 4 बार यूज़ कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट्स वाला बात या इसमें नहीं है। तो दोस्तों आपको इस ये पाउडर आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाए। कैंडिड पाउडर और डेटॉल को यूज़ करने से आपको कितना अच्छा लगा है, कितना अच्छा हेल्पफुल रहा है या फिर नहीं भी रहा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करने में बिल्कुल ना भूले दोस्तों। कोई भी सवाल जवाब है स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा से एक लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब के पास जो बेल है उसको भी ऑल कर दीजिए ताकि जब भी अच्छा अच्छा वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो